Hello everyone, welcome back to the NEET free foundation classes by Dr. Thote's Academy Latur. Myself Dr. Ravindra Thote. Last video mein humne dekha tha teeth ka structure, teeth ka dental formula wagera everything humne dekha. Jo bacche abhi mere sath jude hain to kripya karke last ke do video humne jo banaye right hum log digestion and absorption chapter pad rahe hain. उसमें पहला हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, सेकंड हमने ओरल कैविटी स्टार्ट किया था, ओरल कैविटी में हमने टीथ पढ़ा और आज हम लोग ओरल कैविटी में से अगला स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टंग. ओके, तो बेटा सब लोग अपनी टंग के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें आपके सामने लिखी हुई है. ओके, सबसे पहले जो हमारी टंग है वो एक रफली ट्राइंगुलर ऑर्गन है, राइट, और वो एक पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की बनी हुई चीज. आप अपनी टंग को कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, राइट. अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी टंग को हिला के देख सकते हो, जैसे हम दूसरों को कभी टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो टंग ऐसा उसको दिखा के चिढ़ाते हैं. तो ये जो टंग की जो मूवमेंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये मूवमेंट्स वॉलेंटरी थी कि इनवॉलेंटरी. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरी टंग अंदर हिल रही है, बिना टंग हिलाए हम कोई भी बात नहीं कर सकते. अगर मैं अपनी टंग पकड़ लू लाइक दिस तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे स्पीच प्रोडक्शन में भी टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी टंग अपने आप हिल रही है, मतलब इनवॉलेंटरी एक्शन. लेकिन जब आप किसी को चिढ़ाते हो तो वो एक्शन कैसा था? वॉलेंटरी. तो सबसे बड़ा मुद्दा कि आपने यहां लिखा कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये मसल कौन से, ये वॉलेंटरी मसल्स है क्या इनवॉलेंटरी मसल्स? बॉडी में वैसे तीन प्रकार के मसल है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक. अब कार्डियक मसल तो यहां आएंगे नहीं क्योंकि वो हार्ट को स्पेसिफिक हो गए, तो बचे स्केलेटल और स्मूथ. अब इसमें से जो स्केलेटल मसल है वो क्या है बेटा? वॉलेंटरी नेचर का. और जो स्मूथ मसल है वो क्या है? इनवॉलेंटरी नेचर का. तो इसमें हल्की फुल्की कॉन्ट्रोवर्सी ये आ जाती है कि ये कौन से मसल है. तो मैं आपको एकदम क्लियर कर लू, स्केलेटल बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपकी जो टंग है वो कंप्लीटली स्केलेटल मसल की बनी है. सर मुझे एक डाउट है, हमको सिखाया गया है कि स्केलेटल मसल का मतलब होता है कि वो मसल जो किसी ना किसी हड्डी को अटैच है, और अब आप मुझे बताइए कि हमारी टंग कौन सी हड्डी को अटैच है, कौन से बोन को वो टच कर रही है. ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज आप अपनी टंग को गौर से देखिए. आपकी टंग के दो एंड्स हैं, एक एंड है आपका एंटीरियर एंड और एक है पोस्टीरियर एंड. मतलब सर आपका ये टंग का जो टिप होता है इसको बोलते सामने वाला, मतलब एंटीरियर एंड, और एक आपका टंग का पीछे का एंड है. मतलब जैसे बेटा मैं यहां पे एक रफली समझाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टंग. ठीक है, तो ये टंग का पॉइंटेड पार्ट टिप ऑफ टंग हो गया जो हमको दिखाई दे रहा है. तो ये टिप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो अपेक्स ऑफ टंग या तो फिर एंटीरियर एंड ऑफ टंग. और एक टंग का ये हिस्सा है जो अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब वो पूरा नेक में जा रहा है, राइट. तो ये वाला हिस्सा थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको अपन द बेस ऑफ टंग एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग. तो सवाल है, जो टिप ऑफ टंग है वो तो हमको दिखाई दे रहा और वो किसी हड्डी को अटैच नहीं, लेकिन ये जो टंग अंदर की तरफ गई वो लिटरली यहां से यहां तक आती है और आपके गले में एक हड्डी अटकी हुई है बेटा. लोकोमोशन चैप्टर में आता है, ये आपका जो गला है, ये जो आपका नेक रीजन है, इसमें एक सिंगल बोन है जो कभी किसी के साथ जॉइंट नहीं बनाती है. कुछ बच्चे समझ चुके होंगे मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं, वो हड्डी का नाम है बेटा हायोइड बोन. मैं ऐसे कहता हूं गले में हड्डी अटकना, क्योंकि ये एक लौती ऐसी बोन है. जैसे बॉडी में 206 हड्डियां है तो 205 हड्डी ज्वाइंट बनाती है, कोई ना कोई हड्डी के साथ अटैच होती है, लेकिन ये एक लौती ऐसी हड्डी है बेटा जो कभी किसी के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती. तो अब ये हड्डी यहां पर बिल्कुल, और आपकी जो टंग है अंदर जाके इसका जो टंग का पोस्टीरियर एंड है वो हायर बोन के साथ क्या है बेटा? फिक्स्ड है. मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा आपको, एंटीरियर एंड इज फ्री, द टिप घूम रहा है ऐसा फ्रीली मूव कर रहा, लेकिन पोस्टीरियर एंड इज फिक्स्ड और वो किसको अटैच है बेटा? हायर बोन को. आप अपनी टंग का पीछे का हिस्सा हिला नहीं सकते, आपकी टंग का सिर्फ सामने का हिस्सा ही हिलेगा. और बेटा जितनी टंग तुमको दिखाई दे रही है वो उससे कहीं बड़ी है, ये आपको याद रखना. आप अपनी ओरल कैविटी में देखते हो कि ओरल कैविटी की जो फ्लोर है, जैसे ओरल कैविटी में ऊपर का पार्ट क्या था? पैलेट. नीचे का हिस्सा क्या है? मतलब आपकी टंग जो फ्लोर बना रही है ओरल कैविटी का.
तो अगर आप अपनी ओरल कैविटी खोल के देखते हो, ऐसा आ करके देखते हो, तो अंदर टंग देते हो, जितनी आपको टंग दिखती है वो टंग के हिस्से को हम लोग बोलते हैं ओरल पार्ट, क्योंकि वो ओरल कैविटी में दिखाई देती है। लेकिन टंग का वो भी एक हिस्सा होता है जो आपके नेक रीजन में आता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, और वो अंदर जाके हड्डी को अटैच होता है। मतलब सर मुझे इतना समझा कि अगर हमें हमारी टंग की मूवमेंट करनी है तो सिर्फ सामने वाला पार्ट होगा, पीछे वाला पार्ट फिक्स्ड ही वो हिलने वाला है। सर ऐसा कोई है एग्जाम्पल जिसका पीछे वाला पार्ट फ्री होता है और सामने वाला पार्ट फिक्स है? ना बेटा, हम लोग घर में देखते हैं ना चिपकली, लिजर्ड्स है और डिफरेंट रेप्टाइल्स है, लेकिन एक एग्जाम्पल चिपकली इससे दे रहा हूं क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर उसको देखते रहे। चिपकली की टंग ऐसी होती है कि बेटा उसकी टंग सामने से फिक्स होती है, मतलब उसका जो एंटीरियर एंड है वो सामने फिक्स्ड है, और उसका जो पोस्टीरियर एंड रहता है वो होता है फ्री। और चिपकली की टंग ऐसा रोल फॉर्म में होती है, ऐसे लपेटी हुई होती है, मतलब सामने का एंड क्या हो गया फिक्स्ड, पीछे वाला एंड ऐसा फोल्डेड ऐसा अंदर रखा हुआ इधर, राइट। और जब भी देखो आप चिपकली जब इंसेक्ट्स खाती तो उसके टंग के थ्रू पकड़ती है, तो टंग ऐसी फेंकती है अपने और फिर ऐसा रोल अप करके अंदर सीधा, ठीक है। तो बेटा देयर आर डिफरेंट एनिमल्स जिसका इंटीरियर एंड फिक्स्ड है एंड पोस्टीरियर एंड फ्री, लेकिन फिलहाल हम लोग ह्यूमन बींग पढ़े तो इंसानों के हिसाब से तो सर एंटीरियर इज फ्री एंड द पोस्टीरियर इज फिक्स्ड, ओके, वो भी फिक्स्ड का, और ये अंदर गले में जाके हाइब्रिड बोन को। अब सर आपकी टंग सामने से पूरी फ्री नहीं है, जो उसका टिप है उसको बोल बताने के लिए फ्री रखा है, लेकिन आपके टंग के नीचे से हमने एक पतला मस्कुलर सेप्टम नीचे ओरल कैविटी के फ्लोर में अटैच करके रखा है जिसका नाम है लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या नाम बेटा? लिंगुअल फ्रेनुलम। मैं आपको पहले बता दूं कि टंग का साइंटिफिक नेम लिंगुआ, इसका एक और साइंटिफिक नेम है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, दैट्स ग्लॉसा, ठीक है। क्योंकि फ्रेनुलम शब्द बहुत कॉमन शब्द है बेटा, फ्रेनुलम शब्द का मतलब होता है थिन मस्कुलर सेप्टम, लेकिन अगर लिंगुअल फ्रेनुलम है तो लिंगुआ बोले तो टंग से रिलेटेड। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, आप अभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आप अपनी टंग को ऐसा ऊपर उठा के देखो, अब टंग के नीचे ना पतला सा मस्कुलर शीट है, आप उसको पकड़ भी सकते हो, आप आईने में जाके देखना, टंग ऐसा उठा के देखना, नीचे से पतला मस्कुलर शीट है जो आपकी टंग को नीचे से पकड़ के रखा, नीचे से पकड़ कर रखा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। सर और कोई फ्रेनुलम है बॉडी में? है ना बेटा, ये आपके लिप्स, ये जो आपका अपर और लोअर लिप है वो अंदर गम्स को अटैच है, आप टंग ऐसा कीजिए, अपर लिप को अंदर अटैच कीजिए, टंग को ऐसा अंदर ऐसा अपर लिप के देखिए, वहां पे पतला सा आपको कुछ लाइन लगेगा, तो वो क्या था, आपकी लिप्स की और गम्स की अटैच, मतलब दैट इज ऑल्सो फ्रेनुलम, लेकिन वो फ्रेनुलम लिप्स का है और ये फ्रेनुलम किसका है, टंग का। तो फ्रेनुलम का बेसिक मतलब समझ है अटैचमेंट, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से क्या करना बेटा, अटैच करना, ओके। अब सर हमारी टंग के काम क्या है? बेटा काम तो तब समझेगा जब आप उसके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दोगे, अभी तो स्ट्रक्चर की शुरुआत ही है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है पैपिले, मतलब आपके टंग के ऊपर छोटे 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 दाने, अ वेरी माइन्यूट या फिर माइक्रोस्कोपिकल प्रोजेक्शंस। नहीं सर मैं मेरी टंग अभी देख रहा हूं उस पर कोई भी दाना नहीं है, पूरी टंग सीधी की सीधी दिखाई दे रही है, नो माइनर प्रोजेक्शंस। बेटा बहुत छोटे आपको दिखाई देंगे, तो स्मॉलर प्रोजेक्शंस ओवर द टंग, और ये प्रोजेक्शंस भी क्या है, इट कंटेन्स द रिसेप्टर्स, मतलब उसमें सेंसरी सेल्स है। और आप जानते हो कि आपके टंग कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, तो उसके सेल्स होने चाहिए, उसके सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट बर्ड्स। तो इसका मतलब पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपके टंग के ऊपर छोटे छोटे दाने, उन दानों के अंदर रिसेप्टर सेल्स, और वो रिसेप्टर सेल आपको टेस्ट वाला फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कितने टाइप के पैपिले हैं, कितने टाइप के टेस्ट है हमारे पास, हमारे सामने के टंग पे क्या क्या है, हमारी टंग का जो अंदर का हिस्सा है उस पर क्या क्या है, उसके लिए हमको टंग को थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में जाके देखना पड़ेगा। So, चलिए ये हो गया पहले तो इंट्रोडक्शन, अब मैं बना देता हूं उसमें डायग्राम। लेट्स टेक अ लुक अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टंग। सर क्या बना दिया सर, हमारी टंग पे ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हमारी टंग पे ऐसा सब कुछ है, लेकिन ये सब माइक्रोस्कोपिकल है, आपको अपनी नेकेड आई से दिखाई देने वाला नहीं। जो हमने अभी अभी बात की थी बेटा पैपिलेस की, तो उसी के बारे में हम सब कुछ ये देखने जा रहे हैं।
तो चलिए सभी लोग डायग्राम पे फोकस करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे। अब मैं एक एक करके सारी लेबलिंग्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने क्या बताया आपको कि भैया टंग के दो हिस्से, एक सामने वाला हिस्सा दैट इज एंटीरियर और एक पीछे वाला हिस्सा दैट इज पोस्टीरियर। तो आप सबसे पहले देखिए यहां पे वैसे डायग्राम है, मैंने एंटीरियर वाले हिस्से पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि उसके ऊपर ही पैपिलस है। तो ये आपका एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर और ये एक इन्वर्टेड वी शेप सल्कस। नाउ दिस इन्वर्टेड वी शेप सल्कस डिवाइड्स द टंग इनटू टू पार्ट्स, द पोस्टीरियर वन एंड द एंटीरियर वन। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर का हिस्सा पोस्टीरियर, नीचे का पूरा हिस्सा एंटीरियर है। सर पोस्टीरियर तो इतना सा दिख रहा है, बेटा ये बहुत बड़ा है अंदर, लेकिन मैंने अभी सिर्फ एंटीरियर पे फोकस किया है क्योंकि हमको वही पढ़ना है। तो सल्कस टर्मिनलिस, तो किसी ने पूछा व्हाट इज सल्कस टर्मिनलिस, तो इट इज अ इनवर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर व्हिच डिवाइड्स द टंग इनटू टू पार्ट्स दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट इज फिक्स्ड एंड द एंटीरियर पार्ट इज फ्री। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एंटीरियर पार्ट को नाम क्या दिया, एंटीरियर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ओरल पार्ट, मतलब जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर पार्ट जो नेक रीजन में आएगा। ठीक है, अब सर पहले पोस्टीरियर पार्ट को देख लेते हैं क्योंकि उस पे एक ही लेबलिंग दिखाई दे रही है। तो पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर मैंने क्या लिखा है, यहां पे पढ़िए लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या लिखा है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये होते क्या है बेटा, टॉन्सिल तो नाम सभी ने सुना है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि सबको सर टॉन्सिल सिर्फ दो होते हैं। मैं आपको रियलिटी बता दूं, टॉन्सिल के चार टाइप होते हैं, दो नहीं चार टाइप, दैट इज अ पैलेटाइन टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड द ट्यूबल टॉन्सिल्स। ऐसे चार प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे थ्रोट में जब पढ़ेंगे तब आएंगे और सब। अब सर ये जो लिंगुअल टॉन्सिल्स है, मतलब ये टंग के ऊपर के टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स इज अ स्मॉल पैचेस ऑफ लिम्फैटिक टिश्यू, लिम्फैटिक टिश्यू के बने हुए पैचेस रहते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। एक्चुअली टॉन्सिल्स वाला स्ट्रक्चर हम लोग रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो अपना फाउंडेशन बैच है उसके लिए बहुत हेवी कंटेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सुपर 60 बैच है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम लोग हमारी सुपर 60 बैच स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे भी उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे जब वीडियो में मेल आईडी आता है तो वो मेल आईडी के थ्रू या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स है। तो जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना अच्छा है। तो बेटा लिंगुअल टॉन्सिल्स का काम है डिफेंस मैकेनिज्म का, अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना। अब सर आ जाते हैं एंटीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट पे चार टाइप के पैपिलेज है, सी दिस, ऊपर से नीचे की तरफ आते जैसे दिस इन्वर्टेड वी शेप सल्कस टर्मिनलिस। सबसे बड़ा पैपिला आपको दिख रहा है सर्कम वैलेट पैपिला, कौन से बेटा, सर्कम वैलेट। अब सर्कम वैलेट या सिर्फ वैलेट इतना भी बोल सकते हैं। तो सीक्वेंस में पहले पढ़ लेते हैं, सर्कम वैलेट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले। तो आई रिपीट, सर्कम वैलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, पैपिले, स्मॉलर प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्स रहेंगे और वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो अपने को देखना है। सबसे पहले आप डायग्राम देख के बताइए इन चारों में सबसे बड़ा कौन दिखा है, जिसका साइज सबसे बड़ा। तो आंसर क्लियर है बेटा, साइज देखो सबसे बड़ा किसका दिख रहा है, सर्कम वैलेट पैपिलेस का। तो ये क्या हो गया बेटा, लार्जर, चारों में सबसे बड़े। और ये भी देख के बताइए कि चारों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सर ये वाले सबसे छोटे दिख रहे, दैट इज अ फिलीफॉर्म पैपिले, राइट। तो दिस इज स्मॉलेस्ट, एकदम साइज छोटा है, लेकिन सर मैं इतना फोकस कर रहा हूं ये स्मॉलेस्ट है लेकिन ये क्वांटिटी सबसे ज्यादा दिख रही है, सो इट इज मोर, स्मॉलेस्ट एंड मोर इन नंबर, मतलब मोस्ट न्यूमरस इन क्वांटिटी। ओके, अब सर मामला ये है कि इनके अंदर है क्या, तो जैसे मैंने कहा था इनके अंदर रिसेप्टर सेल्स है। तो बेटा मामला ये है कि ये जो रिसेप्टर्स है ये एक्चुअली दो प्रकार है, टेस्ट रिसेप्टर्स भी है और टच की भी रिसेप्टर। बेटा जैसे आप खाना लेके टंग पे रखते हो तो ये खाने का जो टच टंग को हो रहा है तो टंग उसको आइडेंटिफाई कर पा रही। एक काम करो अपनी टंग को टच करो, ये जब आपने अपनी उंगली से अपनी टंग को टच किया तो टंग ने पहचाना कि नहीं पहचाना, तो मतलब उसमें टच की भी सेंसेशन है। और खाने के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स जब टंग के ऊपर लगते तो केमिकल्स के लोग रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से हमको बताते हैं कि कौन से प्रकार का टेस्ट है। ओके, तो भैया मामला ये है कि इनके अंदर टच और टेस्ट दोनों के सेंसेशन है, दोनों के रिसेप्टर सेल्स है। अब किसमें कौन सा वो देखना है। अब सर्कम वैलेट पैपिले दे हैव ओनली टेस्ट रिसेप्टर्स,
और सर जैसे मैंने कहा कि ये एक एक इतने बड़े बड़े हैं, समझो ये एक सत्तम वायर करते, तो इसमें ना एक सिंगल इसमें कम से कम टेस्ट के 100-100 सेल रहेंगे, 100 रिसेप्टर्स इन अ सिंगल सत्तम वायर करते, तो क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। अब रही बात फोलिएट एपिडेरी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स, मतलब एक्चुअली एब्सेंट या रिड्यूस। अपने टंग के साइड में ऐसी कोई मार्जिन नहीं है, अंदर की तरफ ऐसे जला टंग कटा हुआ है अंदर की तरफ, मार्जिन है सब। तो ये जनरली फ्रॉग सॉरी रैबिट वगैरह में पाया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा बहुत होता है हमारे पास। अब सर जब हम बचपन में थे, हो सकता है किसी बच्चे की टंग अंदर से ऐसी फोल्डेड रही होगी, और सर अगर किसी ने पूछा कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये काम क्या कर रहा है, तो ये टेस्ट का ही काम करेगा। लेकिन आपको बता दो अगर बचपन में ये प्रेजेंट ही थी तो आज की तारीख में अडल्ट लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि अब ये रिड्यूस हो चुका है, ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज की तारीख में आपके पास सिर्फ तीन ही पैपिले, चौथा पैपिले आपका जा चुका है। अब सर फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म, बेटा आपको क्या लगता है कि आपके टंग का सबसे मेन फंक्शन क्या है? टेस्ट या टच? तो आप बट ऑब्वियस बोलोगे सर ये सेंसरी ऑर्गन है, उसका काम क्या है? टेस्ट। लेकिन बेटा ये जो फिलीफॉर्म पैपिले, ये फिलीफॉर्म पैपिले जो इतने ज्यादा थे, जिसको देख के हमको ऐसा लगता है कि इसमें टेस्ट वाले सेल्स होंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया, इसके अंदर सिर्फ टच रिसेप्टर्स है। मतलब फिलीफॉर्म पैपिले सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, और उसके अंदर टच के सेल्स, मतलब टच का सेंसेशन। और लास्ट में बचा फंगीफॉर्म पैपिले, तो इसका सेंसेशन है बेटा टेस्ट का, टेस्ट वाले सेल। मतलब अब आपकी टंग के ऊपर क्या हो चुका, मिक्सचर ऑफ सेल्स, पैपिलेस ढेर सारे, किसी में टच तो किसी में टेस्ट। पैपिलेस के नाम याद रखने पड़ेंगे, पैपिले के अंदर कौन से रिसेप्टर्स हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। कल को क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, सो व्हाट इज द आंसर? फिलीफॉर्म, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टच। बाकी सब में टेस्ट वाला फंक्शन है, इसमें सिर्फ कौन सा वाला फंक्शन है बेटा? टच वाला फंक्शन है। ओके सर, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इतना कुछ दिया नहीं है, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नाम दिया है पैपिले। मैंने कहा था अगर नीट एग्जाम को क्रैक करना है तो अगर एक शब्द भी मिलता है एनसीईआरटी में तो उसका डिटेल वर्जन पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी, वो मैं करवा के लूंगा आपको, ठीक है। तो ये पैपिले यहां तक समझ में आ गए आपको। अब सर मामला ये है कि हमारे पास कितने प्रकार के टेस्ट है, चार प्रकार के पैपिले तो हो गए। अब ये जो टेस्ट के सेल्स थे तीन पैपिले में, तो उसमें भी वैरायटी होगी ना। अब सर मैं सीधा सीधा बताता हूं कि हमारे पास चार प्रकार के टेस्ट है। तो जैसे कहा जाता है कि हमारी जो टिप ऑफ टंग है उस पे स्वीट टेस्ट है, थोड़ा ऊपर जाओ सॉल्ट, और ऊपर जाओ सार, और सबसे पीछे बिटर। सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट, मतलब खाने के अंदर जो टेस्ट है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। तो स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर। सॉल्ट मींस अम्बट जो हम बोलते हैं, राइट। तो बिटर तो कड़वा हो गया, ये नमकीन हो गया, और ये मीठा हो गया। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में अगर चीनी कितनी है, शक्कर कितनी गिरी है, अगर वो टेस्ट करना है तो चाय का एक बूंद लेके सेंटर ऑफ द टंग पे, मतलब टिप ऑफ द टंग पे, क्योंकि यहां पे स्वीटनेस के ज्यादा सेल्स है, ठीक है। तो जब अगर आपको चाय मीठी है कि नहीं है वो चेक करना है तो टिप ऑफ टंग। और जैसे दाल बन रही है बेटा, दाल में नमक है कि नहीं, तो नमक के लिए आपको इन द सेंटर ऑफ द टंग। बेटा वैसे तो बता दूं ये जो स्वीट और सॉल्ट के टेस्ट है वो ओवरलैप होते हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे चलते रहता है, लेकिन फिर भी एग्जांपल दिया है कि टिप ऑफ टंग इज फॉर स्वीटनेस, सॉल्ट, सार, और सबसे पीछे बिटर। कोई भी अगर हम कड़वी चीज खाते हैं, जैसे कोई कड़वी चीज इमेजिन करो, जैसे अपन बोलते हैं करेला खा रहे, तो जब हम चबाते हैं तब स्टार्टिंग में हमको कड़वा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही उसका केमिकल हमारे टंग पे लगता है, उसका केमिकल टंग पे लगते लगते जब पीछे की तरफ पहुंचता है तब जाके हमको कड़वा लगना शुरू होता है। तो बिटर के सेंसेशन इतने लेट क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द राइट, इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट, नियर टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। यहां तक समझा बेटा? सर आपने सब लिखा स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर, लेकिन आपने स्पाइसी टेस्ट नहीं लिखा, तिखट, तीखा लगना। बेटा तीखा लगना पहले बता दो, स्पाइसी इज नॉट अ टेस्ट, इट इज अ सेंसेशन, राइट। मतलब सर एक काम करो बेटा, मिर्च लो और थोड़ा स्किन पे ऐसा लगा दो, मिर्च लेके स्किन पे लगा दो और थोड़ी देर छोड़ दो, तो यहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन होगा,
वैसे ही ओरल कैविटी में था। जब आप कुछ तीखा खाते तो आपके टंग पे जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वो बर्निंग सेंसेशन को हम टेस्ट नहीं बोलते, इट्स अ सेंसेशन, राइट? यहां तक बात समझ में आ रही? तो तीखट कोई टेस्ट नहीं होता है, तीखट एक बर्निंग सेंसेशन होता है। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट, ओके? अब सर, न्यू डिस्कवरी जो अपने सिलेबस में नहीं, अब ये चारों टेस्ट का भी कॉम्बिनेशन निकल चुका है, ये चारों टेस्ट को मिला के अब एक नया टेस्ट आया है जिसका नाम है उमामी। क्या नाम है सर? उमामी, राइट? सर ये उमामी टेस्ट जो है ना, ये चारों का कॉम्बिनेशन देता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जब खाने के बाद वो थोड़ी कड़वी भी लग रही है, मीठी भी लग रही है, नमकीन भी लग रही है, थोड़ी सी खट्टी भी लग रही है, ये सारे टेस्ट को दे रहा है। जैसे इसकी डिस्कवरी ऐसा बोला जाता है कि जापानीज लोगों में जल्दी हुई, मतलब जापान में डिफरेंट प्रकार के सूप बनते हैं। अब वो जो सूप पीने के बाद चारों टेस्ट लगने लगे, मतलब आपकी टंग पे कुछ ऐसे भी टेस्ट बर्ड्स हैं जो एक्टिवेट होने के बाद चारों का ही आपको टेस्ट देते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सार, बिटर, राइट? सो इट इज न्यूली डिस्कवर्ड टेस्ट बर्ड्स, उमामी टेस्ट बर्ड्स बेटा, ठीक है? तो यहां तक कुछ समझ में आ गया आपको? अब आपकी टेस्ट के, आपके टंग के फंक्शंस क्या है उसको थोड़ा सा एनालिस्ट करते हैं। तो पहला तो फंक्शन क्या हो गया? सेंसेशन ऑफ टेस्ट। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? सेंसेशन ऑफ टच। अब तीसरा फंक्शन क्या रहा है? ये हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच। बेटा मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरी टंग हिल रही है, मैंने कहा था बिना टंग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बेटा ऐसे कहते हैं कि जिस किसी भी इंसान की टंग अगर पतली रही तो उसकी स्पीच उतनी अच्छी होती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टंग बहुत मोटी है तो बात करते समय टंग का हिलना कंपलसरी है, एक एक शब्दों के उच्चारण में टंग का हिलना बहुत जरूरी है, टंग उसके हिसाब से मूवमेंट करती है। अगर टंग बहुत मोटी रही, टंग का वजन ज्यादा रहा तो टंग जल्दी जल्दी हिलेगी और उसकी जो स्पीच है बहुत ही स्लो और बहुत ही ब्रॉड वॉइस आएगी। मतलब जैसे कि जिसकी टंग मोटी उसका आवाज कैसा मोटी, समझ रहे हो? तो बेटा जितनी पतली टंग उतनी अच्छी स्पीच। अब टंग को नीचे से आपने पकड़ के रखा था, लिंगुअल फ्रेनुलम, याद आ रहा है? टंग को नीचे से पकड़ के रखा। अब किसी किसी इंसान का क्या होता है, नीचे से जो टंग पकड़ी गई वो ज्यादा टाइट पकड़ ली गई, लिंगुअल फ्रेनुलम थोड़ा टाइट हो गया, जिसकी वजह से टंग हिली नहीं रही, बहुत कम हिली। कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्टैमर करते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, या कुछ शब्दों के उच्चारण में गड़बड़ होती है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम से बेटा। जैसे कि र को ल बोलना, क्या बोला मैं? र को ल बोलना, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है। जैसे अपन बोलते हैं हीरो होंडा का सर्विस स्टेशन, हीरो होंडा सर्विस स्टेशन, तो वो बंदा कैसे बोलेगा? हीरो होंडा का सर्विस स्टेशन। हम बोलते हैं यार ये सामने वाला इंसान सारे शब्द अच्छे से बोलता है लेकिन र बोलते समय उसके मुंह से ल क्यों निकलता है? क्योंकि र बोलते समय जब टंग का मूवमेंट हो रहा था तो टंग अच्छे से मूव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लिंगुअल फ्रेनुलम उसको पकड़ के रखा था, उसको मूव नहीं हो रहा था, तो र के बजाय क्या निकल रहा था? ल। तो ये जो शब्दों के उच्चारण में गड़बड़ होना, अटक अटक के बोलना, ये सब चीजों का इलाज होता है। जैसे कि अगर प्रॉब्लम लिंगुअल फ्रेनुलम है तो एक माइनर सर्जरी करके लिंगुअल फ्रेनुलम को थोड़ा कट कर दिया जाता है और टंग को फ्री कर दिया जाता है। अब टंग जितनी फ्रीली मूव करेंगी उतना अच्छा रहेगा। चलिए, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच टंग का इंपॉर्टेंस बहुत, और बताइए टंग का इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा टंग का इंपॉर्टेंस एक और है, जब आप खाना चबाते हो तो आपके खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना, आपका जो अंदर का सलाइवा उसके साथ मिक्स करना। क्योंकि आप कभी भी खाना चबाते समय देखो आपकी टंग इधर से उधर इधर से उधर, जैसे आप यहां से चबा रहे, अब यहां से खाना इधर आ रहा है तो वो कौन लाता है? टंग। कई बार होता है हम टीवी देखते देखते खाना खाते, बातें करते करते खाना खाते, तो कई बार खाना निकल जाता है और टंग ही दांतों के नीचे आ जाती है, टंग बाइट, राइट? मतलब टंग अंदर हिल रही है। टंग का एक और फंक्शन हो गया मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, दैट इज डन बाय द टंग। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, मजाक कर रहा हूं लेकिन फंक्शन तो है, क्लीनिंग द टीथ, दांत साफ करने के लिए। जब आपके दांतों में कुछ फूड पार्टिकल अटक जाता है तो सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करते हैं? टूथपिक का नहीं, टंग का। कैसे? इस तरह से साफ करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये हो गए बेटा टंग के वेरियस फंक्शंस, ठीक है? तो उम्मीद करता हूंगा कि आपको थोड़ा बहुत टंग समझ में आ गया।
तो भैया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगेन विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जब आप जाओगे तो हमने वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप अगर चाहते हैं तो हमारे सुपर 60 बैच में उस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हो, ताकि जिस तरह से आपको हम 11 फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे हैं इससे और डिटेल वर्जन में पढ़ाएंगे और आपकी नीड हम 100% क्रैक करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।